क्रिकेट की सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, उसमें दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो कि थोड़ा स्क्वाड में चेंज हुआ है, दोस्तों स्क्वाड कुछ इस तरह है, जैसे कि रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएस भरत जो कि विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह जो कि उप कप्तान हो गए, इसके बाद आवेश खान, रजत पाटीदार। और दोस्तों इसके बाद जो 3 सबसे बड़े चेंज हुए हैं वो है सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर और सौरभ कुमार। दोस्तों यहां पर जो कि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल जो कि दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। और दोस्तों इनकी बात करें तो इनको ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है कि उनको जो कि एक थोड़ी सी इंजरी है उसकी वजह से। दोस्तों इनकी बात करें तो सरफराज खान पिछले कई समय से वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उनको इंडियन टीम में मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों फाइनली उनको अब मौका मिल चुका है। दोस्तों इनकी बात करें तो उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जो कि 45 मैच खेले हैं, 66 पारियों में 3,912 रन बनाए हैं। और दोस्तों इनकी जो औसत है वो है 69.85 की औसत है, जिसमें 14 शतक, 11 अर्धशतक भी यह खिलाड़ी लगा चुका है। और दोस्तों इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 301 रनों का है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों फाइनली जो कि टीम इंडिया का इनको कॉल आ चुका है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गुड न्यूज है, इन्होंने जिस खिलाड़ी को खरीदा है जो कि अर्शिन कुलकर्णी, जो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि अभी चल रहा है उसमें उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों उन्होंने यूएसए के खिलाफ 108 रनों की पारी खेली है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि आईपीएल शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह गुड न्यूज है। और दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि शुरुआती मुकाबलों में इनको भी खिला सकती है, क्योंकि दोस्तों यह काफी अच्छा यंगस्टर प्लेयर है। तीसरी अपडेट यह है कि एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट जो कि जारी किया है साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी डीन एल्गर ने। दोस्तों एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली ने उन पर थूका था। उन्होंने ये कहा कि उस सीरीज के दौरान पिच को लेकर मजाक बनाया जा रहा था, और दोस्तों जहां पर मैंने बल्लेबाजी के दौरान रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ लय बनाए रखना चाहते थे और विराट कोहली ने मेरे ऊपर थूका था। मैंने उनसे कहा था कि आपने फिर से ऐसा किया तो मैं बल्ले से मारूंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या कोहली को इस शब्द का मतलब पता था, तो एल्गर ने जवाब दिया कि हाँ, उन्हें समझ आया था और डिविलियर्स जो कि आरसीबी में उनके साथ खेलते थे, दोस्तों इन्होंने यह साउथ अफ्रीकी भाषा में ही बोला था, उसकी वजह से जो कि विराट कोहली यह शब्द जानते थे। और दोस्तों यहाँ पर एल्गर ने यह भी कहा था कि कोहली ने फिर इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। हालांकि एल्गर ने खुलासा किया कि जब साल 2017 और 18 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था कोहली ने, तो दोस्तों वहां पर ड्रिंक्स के दौरान अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी भी मांगी थी, और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ओपनर ने कहा था कि 2-3 साल बाद कोहली ने मुझे एक तरफ खींच कर लिया और कहा, सुनो हम सीरीज के बाद जाकर ड्रिंक कर सकते हैं, मैं अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए हमने सुबह 3 बजे तक ड्रिंक किया था, ऐसा डीन एल्गर का मानना है। और दोस्तों उन्होंने यही कहा है, और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि वह उस समय ड्रिंक भी करते थे, यानी कि दोस्तों कोहली पहले ड्रिंक भी करते थे, इसलिए वहां पर उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो दोस्तों ये डीन एल्गर का जो स्टेटमेंट है वो काफी चौंकाने वाला है कि विराट कोहली पहले ड्रिंक भी करते थे और उन्होंने उन पर थूका था। तो दोस्तों ये जो कि कितनी हद तक यह बात सच है वो तो उनको ही पता, लेकिन दोस्तों ये अगर सच बात है तो ये विराट कोहली के फैंस के लिए काफी चौंकाने वाली बात है। दोस्तों अगर बात करें तो विराट कोहली माना कि वो ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन दोस्तों ऐसा करें वो ऐसे प्लेयर नहीं है, लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा है तो ये बात सही भी हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है वो ही हमने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं चौथी अपडेट। तो दोस्तों चौथी अपडेट यह है कि एक इंटरव्यू के दौरान दीपक चहर को यह पूछा गया था कि एमएस धोनी कौन सी टाइम पर वो रिटायरमेंट ले सकते हैं आईपीएल से। तो दोस्तों दीपक चहर ने ये कहा कि उनकी जो फिटनेस है उससे ये पता चलता है कि वो 2 या 3 साल तो अभी खेल सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आईपीएल में एमएस धोनी जो कि 2 या 3 साल और खेल सकते हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा।